जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। साथियों आज का क्वेश्चन है अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि किसी को मोटिवेशन किया जाता है कि तुम बाबू पढ़ो, पढ़ने से क्या होगा, कैसे पढ़ाई किया जाता है, उसमें एनर्जी भर देना किसी भी बच्चों को जिसमें जिसको मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, उसको उत्साहित करना, ये अभिप्रेरणा हुआ। इसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। सवाल है अभिप्रेरणा क्या है और शिक्षण अभिगम में इसके क्या महत्व हैं व्याख्या करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आते हैं लर्निंग और टीचिंग से। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर लिखता है अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरणा का ऊर्जाकरण है। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है, एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक ऊर्जा से परिपूर्ण शक्ति है, एक ऊर्जा आती है शरीर में। अभिप्रेरणा या इसको प्रेरणा के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक या बाह्य हो सकते हैं। अभिप्रेरणा जो है दो तरह की हो सकती है, एक आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर का, और बाह्य मतलब बाहर का। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इंसानों के लिए किया जाता है। बिल्कुल, अब अभिप्रेरणा किसको देंगे, इंसान को ही देंगे जो समझने वाला रहेगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से पशुओं के बर्ताव के कारण भी व्याख्या के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी कभार ये जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए भी बर्ताव किया जाता है। अब अभिप्रेरणा के अवधारणा देखेंगे हम लोग, अभिप्रेरणा के क्या अवधारणा है। तो इसके अंतर्गत दो प्रेरणा आते हैं, एक का नाम है आंतरिक प्रेरणा और दूसरे का नाम है बाह्य प्रेरणा। यानी कि दो नाम है, एक को कहते हैं आंतरिक और दूसरे को कहते हैं बाह्य। अब चलिए इन दोनों के बारे में ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि किसको कहेंगे आंतरिक और किसको कहेंगे बाह्य। चलिए नेक्स्ट पेज है, इसको ज़रा जूम करते हैं। चलिए अब अच्छा से क्लियर दिख रहा होगा। तो आंतरिक प्रेरणा, यह प्रेरणा अपने आप में किसी कार्य या गतिविधि में ही अंतर्निहित पुरस्कार, यानी कि आंतरिक प्रेरणा क्या है, तो ये किसी व्यक्ति के अंदर की, ये किसी व्यक्ति के अंदर की चीज़ होती है, उसके अंतर्निहित होती है। जैसे कि पुरस्कार देना, किसी पहेली का आनंद लेना, या किसी खेल से लगाव आना, यानी कि अंदर ही अंदर क्या होना, खुश होना, तो ये अंदरूनी चीज़ हो गई। शोध में पाया गया है कि यह आमतौर पर उच्च शैक्षणिक उपलब्धि और छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले लुफ्त के साथ जुड़ा हुआ है। ये उसी बच्चा के लिए है जो शैक्षणिक उपलब्धि उच्च में जा गया है, उच्च मने उच्च स्कूल, हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उस बच्चों के अंदर की ये उस बच्चों के साथ ये आंतरिक प्रेरणा जुड़ी होती है। फिर आगे है बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा साधक के बाहर से आती है। अब बाह्य प्रेरणा कहाँ से आती है, तो कोई भी साधक, साधक का मतलब क्या, जो भी व्यक्ति, मानव व्यक्ति, बच्चा, जो प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है। रुपया पैसा सबसे स्पष्ट उदाहरण है। बिल्कुल, अब कोई भी रुपया पैसा कमाता है वो कहीं ना कहीं बाहरी स्रोत हुआ, यानी कि बाहर से आती है, इसलिए ये बाह्य प्रेरणा में आता है। दबाव और सजा का खतरा भी बाह्य प्रेरणा है। बिल्कुल सही, अब किसी टीचर के डर से कोई बच्चा पढ़ता है तो वो क्या हुआ, बाह्य प्रेरणा हुआ कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको सजा दे दिया जाएगा, तो ये सब बाह्य प्रेरणा में आता है। खेल में खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भीड़ तालियां बजाती है। अगर मान लीजिए कहीं कोई मैच चल रहा है, उसमें कोई खिलाड़ी खेल रहा है, होता क्या है कि उस खेल में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो भीड़ जो जुटा रहता है, वो भीड़ ने उसको ताली मारकर उसकी अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, यानी ऊर्जा को बढ़ाता है कि आप जो है और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। तो भीड़ जो है ताली बजाती है और उसे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकती है। अतः ट्रॉफियाँ भी बाह्य प्रदर्शन है। अब मान लीजिए कि कोई मैच खेला, कोई जो है कहीं खेलने आया, खेलने गया, और वहाँ से कुछ ट्रॉफी, कोई शील्ड वगैरह जीत के आता है, तो ये भी क्या है, बाह्य प्रदर्शन है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं अभिप्रेरणा के
सिद्धांत कि अभिप्रेरणा के क्या सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत को निम्नलिखित रूपों से वर्णित किया गया है जो कि निम्नलिखित है। अब अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो नीचे दिया गया है, तो नीचे दिए गए चार सिद्धांत में इसको वर्णन किया गया है। तो पहला का नाम है प्रोत्साहन सिद्धांत, दूसरा का नाम है सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत, और तीसरा का नाम है प्रयोजन सिद्धांत, और चौथा का नाम है आत्म संकल्प के सिद्धांत। तो ये चार सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है प्रोत्साहन सिद्धांत। कोई इनाम किसी क्रिया के बाद इस इरादे से दिया जाता है ताकि वह व्यवहार दोबारा घटित हो। अब किसी को इनाम क्यों दिया जाता है कि कभी भी वो इस इनाम को देखे तो अपना किया गया व्यवहार, किया गया कारनामा उसको दोबारा से याद हो। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति को इनाम तुरंत मिलता है तो प्रभाव बहुत अधिक होता है, और देर से उसको दिया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल सही, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी वो मेहनत किया तो अभी अभी ही उसको अगर कोई अच्छा इनाम मिल जाए तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा उसके अपेक्षा जो उसको बाद में दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि अभी खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन किया तो 10 दिन के बाद उसको इनाम दिया जाएगा तो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि तुरंत उसको इनाम दिया जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा जो लिखा है सिद्धांत, सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत का नाम है सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत। इसमें लिखा है कई तरह के सहज प्रेरणा सिद्धांत होते हैं, यानी कि सहज प्रेरणा सिद्धांत बहुत सारे होते हैं। हमारी कुछ खास जैविक सहज प्रेरणा होती है, यानी सभी व्यक्ति के कुछ न कुछ खास सहज प्रेरणा होती है, जैसे कि भूख लगना। अगर इससे संतुष्ट नहीं किया जाता तो समय के गुजरने के साथ सहज प्रेरक शक्ति में वृद्धि होती जाती है, जैसे कि भूख लगना। अगर मान लीजिए कि अभी हमको भूख लगा है, इसको अब संतुष्ट नहीं करेंगे, यानी कुछ खाकर उस भूख को तब नहीं मिटाएंगे, तब तक उस समय के गुजरने के साथ क्या क्या होगा तो उसकी शक्ति भी वृद्धि होगी, माने उसका भूख जो है और बढ़ते रहेगा। प्रेरक शक्ति संतुष्ट हो जाती है तो उसका ताकत कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि प्रेरक शक्ति ही संतुष्ट हो जाएगा, अब खाए पिएंगे ही नहीं, अब भूख लगी है लेकिन खाए नहीं है, तो क्या होगा, आपकी ताकत जो है कम हो जाएगी, आपके कुछ में मन नहीं लगेगी कुछ काम करने में, क्योंकि आपके तो ध्यान जो है भूख पे लगा है, तो इसलिए ऐसी होती है। आगे लिखा है प्रेरक शक्ति के कुछ सहज ज्ञान युक्त या लोक वैधता सिद्धांत, यानी कि प्रेरक शक्ति के भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जब भोजन पकाया जाता है तो भोजन तैयार हो जाने तक भूख के बढ़ने के ताल मिलाकर प्रेरक शक्ति प्रतिमान भी उपस्थित हो जाता है। यानी कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हमको भूख तो लगा है, बहुत जोर का भूख लगा है, लेकिन वही भोजन पक रहा है ये सुनकर अपने आप को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो भाई भोजन जो है बन रहा है, उसमें कंट्रोल होगी उसके अपेक्षा कि आपको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है। तो होता क्या है कि अगर आपको भूख लगी है और ये आपको सूचना मिला कि भोजन जो है बन रहा है, पकाया जा रहा है, भोजन तैयार हो जा रहा है, तो भोजन तैयार हो जाने तक भूख का जो बढ़ने वाला जो ताल है वो ताल मिलाकर, मतलब कि उसी रेशियो से प्रतिमान उपस्थित होता है, मतलब उसी रेशियो में वो काम करता है जिस रेशियो में आपकी भूख बढ़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल था। फिर अगले सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं, नाम है प्रयोजन सिद्धांत। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें लिखा है इस सिद्धांत का सारांश कुछ इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, यानी कि इस सिद्धांत का कुछ बात जो है नीचे लिखा गया है। पहला है आत्म सम्मान, यानी अपने आप को ही, आत्म का मतलब क्या होता है, खुद, यानी खुद से ही अपने आप को सम्मान देने का कोशिश करना चाहिए। दूसरा है आत्म सुरक्षा, यानी अपनी सुरक्षा खुद जो है करनी चाहिए। और तीसरा है स्व प्रत्यक्षीकरण, यानी कि खुद का जो है, खुद पे डिपेंडेंट होना, ये भी बहुत अच्छा चीज का अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुका है तो उसको क्या होना चाहिए, स्व प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट है मनुष्य की कुछ जरूरतें और इच्छाएँ हैं
जो उसके बर्ताव या आचरण को प्रभावित करती है। अब सभी मनुष्य की कुछ ना कुछ क्या है, जरूरतें हैं, कुछ ना कुछ इच्छा है। अब उसको इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आचरण में बदलाव करता है। केवल पूरी न होने वाली जरूरत ही व्यवहार को प्रभावित करती है, न कि पूरी हो जाने वाली जरूरत। यानी इसमें बोला गया है कि जो इच्छा पूरी नहीं होगा उसी से हमारा व्यवहार जो है प्रभावित होता है। जैसे हमको इच्छा बहुत है कि हम पूरा एरोप्लेन में उड़ते, पूरा बहुत बड़े अंबानी बन जाते, लेकिन इसको करने के लिए ये पूरा नहीं होगी, लेकिन इसके प्रति हमको क्या करना होगा, व्यवहार जो है बदलनी पड़ेगी, व्यवहार में कुछ चेंज आ जाएगी। और नहीं जो पूरे मन ना कि पूरे मन, यानी कि जो जरूरत पूरी हो जाएगी तो उस पर तो हम अपना व्यवहार चेंज ही नहीं करते हैं, बशर्ते उसको कर देते हैं और पूरा हो जाता है, फिर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आगे लिखा है जरूरतें अनेक होती है, यानी कि एक व्यक्ति को जरूरत देखा जाए तो ढेर सारी जरूरत है, मानव की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, इतनी जरूरत होती है। इसलिए इनकी प्राथमिकता मूलभूत जरूरत से लेकर जटिल तक कर्मानुसार उसके महत्व के आधार पर तय किया गया है। इसीलिए जरूरत जो है एक क्रम में बताया गया है कि किस व्यक्ति को क्या जरूरत है। अब जो छोटा बच्चा है नर्सरी में, उसकी जरूरत कुछ और है। जो टेंथ में क्लास कर रहा बच्चा, उसका जरूरत कुछ और है। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी जरूरत कुछ और है। तो इसलिए अलग अलग सबका स्टेज बनाया गया है, एक अलग अलग क्रम बनाया गया है कि किसको क्या जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आत्म संकल्प का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है तो इसको पढ़ते हैं। इसमें जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, एक का नाम है एडवर्ड डेशी और एक का नाम है रिचर्ड रयान। यानी कि आत्म संकल्प का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया है, ये बताया गया है दो वैज्ञानिक, एडवर्ड डेशी और रिचर्ड रयान के द्वारा। ये बताए हैं कि विकसित आत्म संकल्प के सिद्धांत में मानव व्यवहार के प्रेरक शक्ति के रूप में आंतरिक प्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो आत्म संकल्प है, यानी कि अगर आत्म संकल्प का मतलब क्या, हम लोग अपने संकल्प कर लिया कि हमको कुछ करके दिखाना है, तो ये आत्म संकल्प होता है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि प्रेरक शक्ति के रूप में आंतरिक प्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी इन्होंने बताया कि वो कैसे प्रेरक शक्ति के रूप में आती है। आगे लिखा है कि 6000 से अधिक लोगों पर किए गए अध्ययन से यह सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया। याद रखिएगा कि ये जो सिद्धांत दिया गया आत्म संकल्प का, ये लगभग 6000 लोगों पर मैंने अध्ययन किया गया। तो इसमें इस सिद्धांत से तब जो है कुछ निम्नलिखित बात बताया गया है जो नीचे लिखा हुआ है। पहला है जिज्ञासा या सोचने की जरूरत, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासा होना चाहिए कि कुछ करने का अंदर से जिज्ञासु होना चाहिए कि हमको करना क्या है, और वो सोचने की जरूरत। दूसरा है खाना और भोजन की जरूरत, यानी कि ये जो है लगभग सभी इंसान में पाया जाता है, जैसे जिज्ञासा होना चाहिए, खाना पीना भोजन की जरूरत होना चाहिए। फिर है परिवार या बच्चों के पालन पोषण की जरूरत होनी चाहिए। फिर है आज़ादी, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहता है हम आज़ाद रहें, फ्री रहें, व्यक्तिकता की जरूरत। अगला है शांति और सुरक्षा, यानी कि कोई भी लोग नहीं चाहते कि हम किसी से बेवजह लड़ाई करें, झगड़ा करें, इसलिए शांति और सुरक्षा की भी जरूरत होनी चाहिए। अगला है बचत और संग्रह, यानी कि अगर लाइफ में, फ्यूचर में, अगर भविष्य के लिए अगर आपको कुछ बचाना चाहते हैं तो आपको बचत करना भी ज़रूरी है। फिर अगला है रोमांस, यानी कि इंजॉय, सेक्स की ज़रूरत, यानी कि कोई भी मेल फीमेल है, बोल सकते हैं कि स्त्री पुरुष, तो इनको रोमांस यानी कि इंजॉय, जिसको सेक्स की ज़रूरत बोल सकते हैं, तो ये भी ज़रूरत है जो आम आदमी के जीवन में ये शामिल होता है। फिर है शारीरिक गतिविधि, जिसको व्यायाम की ज़रूरत, यानी आप सुबह शाम टहल रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये इसकी भी ज़रूरत है। सामाजिक प्रतिष्ठा की जरूरत, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में आपको इज्जत प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, इसकी भी ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये थे कुछ सिद्धांत अभिप्रेरणा के। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा के महत्व क्या होना चाहिए, यानी कि अभिप्रेरणा जो है उसका महत्व क्या है।
इसमें लिखा है विद्यार्थियों के शिक्षा में अभिप्रेरणा के भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि विद्यार्थियों के शिक्षा में अगर किसी कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन पा रहा है, शिक्षा शिक्षित हो रहा है, तो उसमें अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी शिक्षा का क्षेत्र में अगर शिक्षा जो लाइन है एजुकेशन लाइन, इसमें अभिप्रेरणा का अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। कोई विद्यार्थी सीखता है और वह विषय वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करता है, यानी कि कोई विद्यार्थी अगर सीखता है किसी विषय वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करता है, उसकी अभिप्रेरणा से पता चलता है। अभिप्रेरणा का शिक्षा पर महत्व जो है निम्नलिखित है। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है शिक्षा पर, उसका निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। पहला लिखता है विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर। अगर किसी भी बच्चों को हम अभिप्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन करते हैं, तो उसका एक विशेष लक्ष्य निर्धारित करता है, उसकी ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। दूसरा है ऊर्जा के वृद्धि का मार्गदर्शन, यानी उसके अंदर ऊर्जा आती है किसी भी बात को सुनकर, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एरोप्लेन उड़ाओगे, इतना पढ़ो कि कोई भी अच्छा आदमी बन सको, तो ये सब सुनकर बच्चों के अंदर ऊर्जा आती है। अगला है गतिविधियों का प्रारंभ, यानी उसके अंदर गतिविधियाँ कैसे शुरू होगी, उसके अंदर कैसे मूवमेंट आएगा। फिर है संज्ञानात्मक प्रगति में विकास, यानी कि उसका ज्ञान जो है कैसे बढ़ेगा। संज्ञानात्मक माने क्या, ज्ञान की वृद्धि, बुद्धि का विकास। तो अगर किसी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास भी होता है। और अगला है बेहतर प्रदर्शन के लिए अगुवाई, यानी कि वो जो है आगे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छा कुछ करे, इसके लिए वो भी अभिप्रेरणा से ही प्राप्त होता है। तो साथियों ये थे लर्निंग और टीचिंग, जो कि कोर्स नंबर 3 है, जो कोर्स नंबर 3 है। तो इस कोर्स का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों इसी तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेगा, जिसे आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोज में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।